It's the first time when I come here, and it looks really spectacular because it's inside of the cave. So for me, the nature. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रे जोन। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बाटू केव्स देखने के लिए। काफी सारे व्लॉग्स में मैंने देखा है बाटू केव्स के बारे में, बट रियल से सामने से कभी नहीं देखा। सो आज वो चीज पॉसिबल हुई है। सो अभी हम जा रहे हैं जी बाटू केव्स के लिए, और अभी मैंने टैक्सी बुक कर दी है ग्रैब से। अगर मैं ट्रेन से जाता तो अप्रोक्स मेरे को पड़ रहे थे 3-4 रिंगट पड़ते, बट उसके लिए ट्रैवल बड़ा करना पड़ता, बड़े धक्के हैं ट्रेन से। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर कभी भी आप बाटू केव्स जाने का प्लान बनाए ना मलेशिया से, सो चुपचाप ग्रैब बुक करना और चले जाना। अगर आप 3-4 लोग हैं फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर आप सिंगल पर्सन है तो भी यही सजेस्ट करूंगा, ग्रैब बुक करो और उससे जाओ। उससे क्या है कि आपको काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा, वरना जो यहाँ की MRT वगैरह है ना, मेट्रो वगैरह और ट्रेन, पता नहीं काफी कुछ चलती है, MRT LRT पता नहीं कितनी सारी मेट्रो ट्रेनें अजीब अजीब सी हैं यहाँ पे। सो इधर उधर से बदल बदल के आपको बड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सो यही सजेस्ट करूंगा कि सीधा ग्रैब करो अपने होटल से और सीधा निकल जाओ बाटू केव्स के लिए। सो चलो गाइस चलते हैं। अपना टैक्सी वाला आई थिंक आ गया है, जो रात को मैं लेके आया था रेडबुल 7-Eleven से, ये एक साथ रख लेता हूँ। रूम पे भी काफी सारा खलारा पड़ा हुआ है, देखना क्या ही हाल कर दिया, कैसा इन्होंने दिया था और हमने कैसा कर दिया। अभी ये थोड़े से कपड़े मेरे को धोने आके, और वो वाले तो सारे रेडी हो गए, उनको अभी प्रेस करके आगे रखेंगे टैक्सी में। प्लान तो मेरा आज भी था स्विमिंग पूल में नहाने का, बट यार उठता ही बड़ी लेट हो, पता नहीं क्या है, इतनी गंदी नींद है ना, रात को नींद आती नहीं है और सुबह आँख खुलती नहीं, पता नहीं ऐसा शेड्यूल हुआ पड़ा मेरा तो। आज बार धूप भी काफ़ी है, बस जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ना हो ज़्यादा धूप, वरना ऐसी तैसी होने वाली है। आज सनस्क्रीन वगैरह कुछ नहीं लगा के आया, लेके आया हूँ याद ही नहीं रहता लगाना। ये आ गया जी अपनी टैक्सी। यस लो जी आ गया फाइनली टैक्सी अपनी। हाँ यस या आई एम सॉरी आई एम लेट बिकॉज माय अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फॉर यू कस्टमर ओके नो प्रॉब्लम, आई ड्रॉपिंग हियर, नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। सो गाइस फाइनली आ गई जी अपनी टैक्सी, और मजा आ गया बैठ के। आई हैव अ YouTube चैनल, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद। ओके और यू YouTube? या YouTube। वही अभी चलते हैं बाटू केव्स, मजा आ गया। टैक्सी में ट्रैवल करने में बड़ा ज्यादा आसान रहता है, ग्रैब से ट्रैवल करने में बहुत ही ज्यादा इजी रहता है, वरना तो यहाँ पे इतनी धूप है ना कि पैदल चलना तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। हाँ ये है कि आप इवनिंग के टाइम पे कहीं जा सकते हो पैदल घूमने के लिए, बट फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर मलेशिया में आपको घूमना है ना तो टैक्सी से ही घूमना पड़ेगा आपको, और अदर कोई ऑप्शन नहीं है। MRT LRT तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके बाय बाय, थैंक यू नाइस टू मीट यू। तो जी गाइस फाइनली पहुंच गए हैं जी बाटू केव। सामने जो स्टेयर्स दिख रही हैं वो पूरा हमें चढ़ के वो ऊपर तक जाना होगा। आई थिंक 270 स्टेयर्स हैं जो केव्स हैं ना, ये 4,000 करोड़ साल पुरानी केव्स हैं। अभी हमें 270 सीढ़ियां चढ़ के वो वहां तक जाना है। सो गाइस इस जो मंदिर की खोज है तमिल व्यापारी थम्मू सामी पिल्ले ने की थी 1891 में 1891 में वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। उसके बाद फिर इसको एक टूरिज्म प्लेस बना दिया गया, और ये मूर्ति भी 2-3 साल लग गए थे बनाने में। गाइस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं जी, अब चल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह माय गॉड क्या ही सुंदर व्यू है, जितनी नीचे गर्मी है ना उतनी इधर ठंडक है। अरे वाह क्या ही इतिहास है, मतलब 4,000 करोड़ साल पहले की ये केव्स हैं। तो अभी अंदर चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। अभी हम केव्स के अंदर जा रहे हैं बिल्कुल। ये देखो गाइस अभी हम केव के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, और कितना ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। और इसमें ना छोटी 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 कहीं से कहीं कोई गुफाएं जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही हैं वो। मतलब 4,000 करोड़ साल पहले ये क्या ही रहा होगा, यहाँ पे क्या होता होगा और कैसे ये बना होगा। हमारा जो इतिहास है वो कितने 100 साल पुराना है, और ऐसे ही नहीं ये मंदिर ये केव्स इंडिया में इतना कुछ ऐसे ही नहीं बना हुआ, कुछ तो होता होगा ना पुराने टाइम की हिस्ट्री कुछ तो होगी। मैंने सुना है कि हमारे इंडिया में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहाँ पे हमारा 70% इतिहास था, जिसको अंग्रेज़ों के टाइम में जला दिया गया था,
जिसकी वजह से हमारा 70% जो इतिहास है वो जल गया था, वरना हमें और काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक पता होती हमारे इतिहास के बारे में। बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी सी होती है इन चीज़ों को जानने में और देखने में। मेरे को बड़े पसंद है ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे आके। मतलब मेरा दिल करता है यहाँ पे आके अलग अलग टाइप की रिसर्च करूँ और काफ़ी कुछ। मज़ेदार यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अगर आप कभी खुद आओगे ना इस जगह पे तो आप खुद फील कर पाओगे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार, जो बीच ये बना हुआ है और ऊपर से सारा खाली आसमान दिख रहा है, छोटी छोटी केव्स। गाइज, हमारे इंडियन कल्चर की कितनी ज़्यादा महानता है कि फॉरेनर्स तक यहाँ पे देखने आते हैं इस मंदिर को। स्पेशली जब भी जो भी मलेशिया में फॉरेनर्स आते हैं वो पक्का विजिट करने आते हैं इस मंदिर को। ये देखो गाइज, आप इम्प्रेशन ही देख लो जो फॉरेनर्स हैं उनके, कि कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है उनको ये मंदिर। सो गाइज, अभी हम और ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से नज़ारा देखो भाई, चारों तरफ से कैसे पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में एक केव बनी हुई है। गाइज आ गए हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के और यहाँ पे एक और मंदिर है। पता ही नहीं कैसे कैसे केव्स बनी हुई हैं यार, ये कुदरती चीज़ें ना अलग ही होती हैं, इंसान बना नहीं सकता उनको। कहीं ना हम इंडियंस जो है ना अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये बात थोड़ी सी बेकार सी आपको ज़रूर लगेगी, बट ये सच है, क्योंकि अभी इस वाले ब्लॉग पे देखना सबसे ज़्यादा कम व्यूज़ आएंगे, जो कि मेरा मानना है। अगर मैं यही कहीं पे वॉकिंग स्ट्रीट या फिर बुकित बिनतांग कोई ऐसे से भड़कते तड़कते से एरिया में जाके व्लॉग बनाऊंगा ना, सो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि लोगों को चाहिए मसाला। सो ऐसी चीज़ें ना आजकल हमने बहुत कम कर दी हैं देखनी, क्योंकि ये देखने में बोरिंग लगती हैं, बट यार यही हमारा इतिहास है और यही एक सच है। आप लोग भी मलेशिया आ रहे हो ना, तब का एक बार यहाँ पर पक्का विजिट करना। जो आप खुद विजिट करके पर्सनली जो एक्सपीरियंस लोगे और जो आपको फील होगा ना, दैट इज़ बेटर देन व्लॉग। मैं तो जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मुझे कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। आई थिंक बारिश आ रही है, हाँ बाहर बारिश का मौसम हो गया है, ये बारिश की बूंदें यहाँ पे गिर रही हैं। चारों तरफ देखो कैसे पहाड़ ही पहाड़ है और उसके बीच में कैसे खुला आसमान। गाइस अभी हमें यहाँ पे दो फॉरेनर्स मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे उनको आके कैसा लगा। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? फॉर मी इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई कम हियर, एंड इट लुक्स रियली स्पेक्टेकुलर बिकॉज़ इट्स इनसाइड ऑफ द केव, सो फॉर मी द नेचर हैज अ डिफरेंट फॉर्म नाउ, बट आल्सो अ बिट डेंजरस, बट इट्स रियली स्पेक्टेकुलर दिस प्लेस, आई लव इट। फील पॉजिटिव देयर आई थिंक? Yes, yes, exactly. Yes. Good energy here. Yes. Very, very good energy. And it's amazing what they built the temple inside this cave. Like, impressive. Mm-hmm. To see something like that, I think I never... I travel a lot, but I never seen something like the Batu cave. Okay, okay. Oh, where are you from? Nice. We are from Romania. Romania. Okay. Bucharest. Yes. Okay, okay. Thank you. Yes. Nice to meet you. Well, thank nice you for sharing you. Your experience. Yeah, nice thank to meet you. You. Bye. Thank you. सो गाइस, अभी देखो कितनी ज़्यादा धूप थी ना, और अभी एकदम से बारिश का मौसम हो गया और बारिश आ भी गई है थोड़ी थोड़ी। और थैंक गॉड ऐसा वेदर हुआ है, इस वेदर में फिर भी थोड़ा सा सर्वाइव करना आसान रहता है, धूप में तो बड़ी ऐसी तैसी होगी थी। सो गाइस देख लो जी दोबारा से बाटू केव्स को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे तो यहाँ पर जाके, और अंदर का जो एक्सपीरियंस था ना, खुद विजिट करोगे ना तो आपको ज़्यादा फील होगा। बाकी मेरे व्लॉग के जरिए तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके शेयर कर सकता हूँ, वो तो 10/10 है। अभी चलते हैं वापस अपने होटल और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है हमारा आगे का। हाइट पे है ये, ऐसे देखने में लगता है कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, बड़े एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं सारी की सारी ये। सो गाइस जैसे ही आप स्टेयर उतर के नीचे आएंगे यहाँ पे काफ़ी सारे आपको शॉप्स दिख जाएंगी, जहाँ से आप की रिंग और काफ़ी कुछ ले सकते हो, और नीचे आते ही फिर से धूप होगी है। और ये देखो जी काफ़ी बढ़िया लग रही है मूर्ति। ये जो केव्स है ना काफ़ी बड़ी हैं, ये इसके अंदर अंदर से भी काफ़ी सारे रास्ते होंगे जो और भी आगे कहीं पर जा रहे होंगे, सो हम तो उन रास्तों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट अगर करने को मिले तो क्या फील आए और कितना ही ज़्यादा मज़ा आए। अब मेरा दिल कर रहा है मैं तो एक बैग पैकर बन जाऊँ, एक बैग हो और ट्रैवल करता रहूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड,
ये मेरा सपना है और ये पक्का करूंगा मैं, और इसकी तरफ मैंने अपने कदम बढ़ा लिए हैं। अपने काम में से टाइम निकाल के और अपनी काफ़ी सारी सेविंग्स करके मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे थोड़े से जो एक्सपेंसेस हैं ना, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे, मेरी वीडियोज़ को शेयर करोगे, तो मेरे कुछ परसेंट एक्सपेंसिस जो हैं वो कवर हो जाएंगे यूट्यूब से। सो उससे है कि मुझे ट्रैवल करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और मैं और ज़्यादा घूम सकूँगा और आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग बना सकूँगा। और एक बार जब मैं यूज़ टू हो गया ना यूट्यूब को लेके, यहाँ मुझे आदत होगी कैसे कैसे क्या क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, क्योंकि अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग डाल ही नहीं पाता। डेली लाइफ में मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं होता कि जो मैं डालूँ, ऐसे कुछ भी डालता रहा उसका कोई मतलब नहीं है। कहीं मैं ट्रैवल करने जा रहे हैं, कोई नई चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मुझे उस चीज़ की ही आदत है। तो आप अपनी थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ और मेरे चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइब करो और दबा के शेयर करो मेरा चैनल, ताकि मैं और ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बना सकूं और अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनल बना सकूं इस लाइन में। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूं अभी, तो बस आपका अगर प्यार बना रहा तो बहुत जल्दी हम भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे। फिलहाल तो नीचे ही आते ही गर्मी लगने लगी और अभी चलता हूँ यार अपने होटल, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। सो ये था जी बाटू केव्स का ब्लॉग। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल की सपोर्ट करिए, चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और कमेंट करके बता देना ब्लॉग कैसा लगा। सो ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स को फॉलो करते रहो, एक दिन छोड़ के सुबह 10 बजे। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।